फर्क कर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो कल हमने कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन देखे थे, हमने उसकी कंडीशन देखी थी। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत से एप्लीकेशन है डेरिवेटिव के, आपको भी बहुत से सीखना है। उसमें से कल हमने पहला देखा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर हमें इंक्रीजिंग रखना है तो उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीजिंग रखना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डिक्रीजिंग रखना है जैसे कॉस्ट एक्सपेंसेस लॉस तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो हमने देखा था बाय यूजिंग डेरिवेटिव। सिंपल सी दो कंडीशन थी, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स या डी वाई बाय डी एक्स अगर लेस देन जीरो हो आप ले लो तो वो फंक्शन कहलाता है डिक्रीजिंग, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स या डी वाई बाय डी एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर आप ले लो तो वो फंक्शन कहलाता है इंक्रीजिंग। दो सिंपल सी कंडीशन थी, इंक्रीजिंग व्हेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन इज ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग व्हेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमने कल देखे थे, कुछ क्वेश्चन आपके सामने। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेना है सो कम आउट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स को डिराइव करने का सिंबल क्या है, एफ डैश एक्स। ठीक है, कल ये बात हम कर चुके हैं, बस विथ रिस्पेक्ट टू x ही लेना है तो ले लो। 2, 3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, फिर 2 इधर जाएगा 2x बराबर 3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस साइन एज इट इज, 15 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 9 का डेरिवेटिव 0। सो देखो एफ डैश एक्स आपको क्या मिला, 6x माइनस 15, और क्वेश्चन ने बोला है कि दिस फंक्शन शुड बी डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। एफ डैश एक्स मतलब ही क्या, 6x माइनस 15 शुड बी लेस देन 0 मतलब ही क्या, 6x शुड बी लेस देन माइनस 15 इधर गया प्लस हो गया, इक्वालिटी नहीं है बट बेसिक रूल तो वही है। लेफ्ट साइड टू राइट साइड शिफ्ट हुआ तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा। सो माइनस 15 इधर गया ना, एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 6 टू एक्स इज लेस देन 6 इधर गया डिवाइड कर दिया, सो एक्स इज लेस देन 2.5 ये आया आपका आंसर। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि वो एक्स की वैल्यू निकालो, वो एक्स की रेंज निकालो फॉर विच द गिवन फंक्शन आर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, जो भी आपको दिया है। तो इस क्वेश्चन में एक्स अगर लेस देन 2.5 रहा तो ही ये जो भी फंक्शन है वो डिक्रीजिंग रहेगा, जो क्वेश्चन को चाहिए। अगर 2.5 से आपने बड़ा कर दिया तो फिर वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, जो शायद कॉस्ट हो सकता है तो क्वेश्चन को नहीं चाहिए। उसने डिक्रीजिंग बोला है मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, कॉस्ट लॉस एक्सपेंसेस ऐसा कुछ होगा। तो उसको अब बस दिमाग में अपने बिजनेस में यही रखना है कि भाई एक्स की वैल्यू 2.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 2.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा 2.5 से लेस चाहिए। सो एक्स शुड बी लेस देन 2.5 इज द सेटिस्फैक्टरीली कंडीशन फॉर गिवन फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग। इस फंक्शन को वाकई में डिक्रीजिंग स्टेटस का रखना है तो हमें क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 2.5 रखनी है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जिनका नहीं हुआ लिख लो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, थर्ड का तो बहुत जल्दी आ गया होगा। चलो लिख लिया फटाफट। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का नेचर क्या होता है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सिंपल है, पहला जो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं अभी और देखना है, जैसे मैंने कहा था इकोनॉमिक्स वाला फंडा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, उसकी कंडीशंस भी अपनी अपनी और है, बट फिलहाल के लिए हमने सिर्फ पहला एप्लीकेशन कल स्टार्ट किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और दो सिंपल से रूल, डिक्रीजिंग है तो लेस देन जीरो एफ डैश एक्स, इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन, तो अगले दोनों क्वेश्चन इंक्रीजिंग है। सो ध्यान देना, ये था सबसे फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन। अब सेकंड, उससे भी सिंपल क्वेश्चन देखो, सेकंड का आंसर क्या दिया है, सेकंड आपको एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 25। पहले रूल तो डिफरेंशिएशन निकाल लो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 25 कॉन्स्टेंट अकेले में मिल गया उसका डेरिवेटिव 0। सो
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन, ठीक है। अब ये हो गया एफ डैश एक्स, बट क्वेश्चन ने इस बार कहा है कि दिस फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग, तो रूल क्या है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। पहले तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, पूरे इक्वेशन को मैं थ्री से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री, सो डिवाइड हम कर लेंगे, सो डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप बहुत अच्छी से फैमिलियर हो, आप सबका फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। सो वो दो फैक्टर आपको ढूंढना है जिसका मल्टीप्लीकेशन ये माइनस थ्री आए और एडिशन माइनस टू आए, ऐसे दो फैक्टर कौन से जिसका मल्टीप्लीकेशन मतलब जिसका प्रोडक्ट माइनस थ्री आए और एडिशन, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल, बराबर यहां पे जो होता है ना उसके बराबर मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और यहां जो अटैच होता है उसके बराबर एडिशन आना चाहिए। सो मल्टीप्लीकेशन माइनस थ्री एडिशन माइनस टू, माइनस थ्री वन, बिल्कुल सही। अगर आप इसके दो टुकड़े कर लो, आपको हमेशा दो ढूंढना होता है, सो दो पार्ट अगर आप ले लो माइनस थ्री और प्लस वन, सो मुझे बताओ माइनस थ्री और प्लस वन का एडिशन क्या आएगा, माइनस टू, कंडीशन सेटिस्फाइड, और माइनस थ्री इंटू प्लस वन माइनस थ्री, प्रोडक्ट की भी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो दो फैक्टर कौन से निकले, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, डायरेक्ट लिख सकते हो ना, ठीक है। सो दो फैक्टर को सिर्फ आप क्या करते हो, जो भी दो फैक्टर मिले हैं उसको एक्स के साथ एज इट इज चिपका देते हो विथ सेम साइन, मतलब ये माइनस थ्री है इसलिए एक्स माइनस थ्री, ये प्लस वन है इसलिए एक्स प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स, ठीक है। सो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मुझे बताओ ये दोनों ग्रेटर देन जीरो कब आएंगे, ये डायरेक्ट मैंने जो लिया नहीं समझ में आया, समझ आया ना, हाँ। सो मुझे बताओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली स्कूल में आपका हो चुका है, तो ये भले ही इलेवंथ का बेस आपका ढीला भी रहा तो भी स्कूल का बेस तो अच्छा ही है, तो इसलिए ये तब की बात है। तो अब मुझे बताओ ये जो कंडीशन है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन ये ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, ग्रेटर देन जीरो को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तीन चीजें होती है, एक तो निगेटिव, एक जीरो, एक पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब बनेगा, मुझे बताओ यहां पे आपको क्या दिख रहा है, दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। तो दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो, दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव रहे। मुझे बताओ पॉजिटिव इंटू, चार चीजें होती है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव एंड लास्ट निगेटिव इंटू निगेटिव। मुझे बताओ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव एंड निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव। तो दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आता है, अगर दोनों फैक्टर पॉजिटिव है या फिर दोनों फैक्टर निगेटिव है। मतलब यहां पे दो केस बनती है, केस वन एक्स माइनस थ्री भी पॉजिटिव है एंड एक्स प्लस वन भी पॉजिटिव है, एक्स माइनस थ्री भी ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव। मतलब क्या मैंने कहा है, ग्रेटर देन जीरो को ही आप बोलोगे पॉजिटिव, लेस देन जीरो को ही आप बोलोगे निगेटिव। और यहां पे आपको दो फैक्टर का प्रोडक्ट दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो बोला है, मतलब दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव बोला है। तो दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब होता है, अगर दोनों फैक्टर पॉजिटिव है या दोनों फैक्टर निगेटिव है। मतलब ये दो कंडीशन फेल हो गई, बराबर। तो पहली केस क्या बनी, पहली केस हम ये ले लेते हैं, बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस इज दोनों फैक्टर पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर पॉजिटिव मतलब फिर से क्या, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, ये याद रखो दिमाग में, सिनोनिम।
ठीक है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, निगेटिव मतलब लेस देन जीरो. सो एक्स माइनस थ्री भी ग्रेटर देन जीरो होगा, एक्स प्लस वन भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो आएगा. तो बस यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिली, ग्रेटर देन 3, और यहां पे आपको x की वैल्यू क्या मिली, ग्रेटर देन माइनस 1. बराबर, ये माइनस 3 इधर गया प्लस हो गया, प्लस 1 इधर गया माइनस 1 हो गया. तो फर्स्ट केस से हमें x की वैल्यू क्या मिली, ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 1. बट मुझे बताओ इसमें से एक ही वैल्यू वैलिड है, कौन सी, ग्रेटर देन क्यू, 3 क्यू, ग्रेटर देन माइनस वन क्या बुरा है? लॉजिकली सोचो कि दोनों वैल्यूज सही है, लेकिन यहां डुप्लीकेशन हो रहा है. मुझे बताओ हर वो वैल्यू जो ग्रेटर देन 3 होगी वो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन माइनस वन होगी. हर वो वैल्यू जो ग्रेटर देन, अगर मैं सिर्फ इस कंडीशन को लेकर चलूं तो ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होना है. हर वो वैल्यू जो ग्रेटर देन 3 होगी वो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन माइनस 1 होगी ना. मुझे बताओ अगर मैं इस कंडीशन को लूँ तो क्या हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? नहीं. अगर x हम बोलेंगे ग्रेटर देन माइनस 1, तो चलो मैं 1 ले लेता हूँ, 1 से ये खुश हुआ बट ये खुश है नहीं, 2 ले लेता हूँ, 2 से ये खुश हुआ बट ये खुश है नहीं. अब चलो मैं इस कंडीशन को लेता हूँ, इस कंडीशन में चाहे जो वैल्यू आप एज्यूम करो, वो क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 3, एज्यूम कर लो 4, इसको भी चलेगा, 5 इसको भी चलेगा, 6 इसको भी चलेगा, क्योंकि लॉजिक है जो वैल्यू 3 से बड़ी होती है वो बाय डिफॉल्ट माइनस 1 से बड़ी होगी ही. ठीक है, तो इस फर्स्ट केस से हमें x की वैलिड वैल्यू कौन सी मिली, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब x की लिमिटेशन क्या आ गई, 3 से लेकर कितना भी इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक. तो ये हो गई पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, 3 टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, या फिर आप जस्ट ग्रेटर देन 3 पे भी रुक सकते हो. ठीक है, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ फाउंडेशन के हिसाब से, कभी कभार ऑप्शन में इस तरह से दी, क्योंकि वहाँ पे तो आपको टिक करना है ना, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन में कभी कभार इस तरह से दिया होता है, तो अब क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अरे यार ये तो क्या नया आ गया, ये तो कभी सीखा ही नहीं है, ये नया कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस वैल्यू को आप अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हो. एक्स इज ग्रेटर देन 3 मतलब क्या, 3 के आगे कितना भी, कितना, इन्फिनिटी तक, मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, 3 से लेकर इन्फिनिटी. ठीक है, मतलब यहाँ पे वैलिड वैल्यू ये है, क्योंकि ये मतलब ये वैलिड है, लेकिन अगर हम इसको लेकर चले तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई होगा. एक्स अगर ग्रेटर देन 3, एक्स अगर ग्रेटर देन 3, एक्स अगर ग्रेटर देन 3 आप लेते रहो तो बाय डिफॉल्ट माइनस 1 से बड़ा आना ही है. तो ये कंडीशन एक पे एक फ्री वाली हो गई, इसको खुश करो ये बाय डिफॉल्ट खुश है, बट उल्टा नहीं हो रहा है ना, इसको खुश करके ये खुश होने वाला है नहीं. कोई कोई वैल्यू ऐसी है जो एक माइनस वन से वाकई में बड़ी है, जैसे 1, 2, लेकिन इससे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है. लेकिन इस कंडीशन को आप चाहे जितना ये करो, ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट इसको सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, आपको एक मोबाइल लेना है और आपको एक हैंड ये लेना है, हेडसेट मतलब ईयरफोन, तो ऑफर चल रही है सैमसंग के मोबाइल पे, एक ईयरफोन फ्री है, ऐसे तो हर मोबाइल पे होता ही है बट फिर भी चल रही है. ठीक है, तो अब आपको दो चीज़ें मिल रही है, एक सैमसंग का मोबाइल, एक ईयरफोन. ईयरफोन लेकर सैमसंग का मोबाइल नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये कंडीशन को आप, अगर आपको ईयरफोन और सैमसंग एक ही झटके में लेना है, दो अलग अलग शॉप में जाओ, दो परचेस करो, तो उसमें क्या होगा, अननेसेसरी आप डुप्लीकेशन कर रहे हो. ऑफर चल रही है ना, एक सैमसंग का मोबाइल लो, ये बाय डिफॉल्ट फ्री आ रहा है, तो यहाँ पे वो बात हो गई है, ये सैमसंग का मोबाइल है, ये ईयरफोन है, ईयरफोन लोगे तो ये नहीं मिलेगा बट ये लोगे तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वैलिड वैल्यू फर्स्ट कंडीशन से वैलिड वैल्यू ऑफ एक्स क्या मिली, ग्रेटर देन 3, मतलब ही 3 से लेकर इन्फिनिटी. तो ये हो गई फर्स्ट केस, अभी भी दूसरी केस हमें देखनी है, सो आ जाओ. लिख रहे हो ना सब साथ में, सबने लिखा है यहाँ तक, फटाफट लिख लो, फिर ये मैं मिटा रहा हूँ. केस वन, ये जो कॉस्ट जैसी चीज दिख रही है आप लोगों को, ये केस वन है. ठीक है, सो हो गया, फटाफट लिखो और हर चीज समझ के लिखो. नहीं कोई टेंशन नहीं, स्कूल के लाइफ से मुझे
हैंड राइटिंग के मामले में जलील होने की आदत है, बहुत इंसल्ट हो चुकी है, तो आप कर सकते हो. नहीं नहीं मजा आ गया, डोंट वरी. ठीक है, ये हो गया. चलो सेकंड केस टू. ये केस टू है, ठीक है. अब यहां पे केस टू अभी हमने कौन सी देखी थी कि दोनों का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन जीरो आता है, जब दोनों एक तो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है. मतलब एक्स माइनस थ्री भी नेगेटिव यानी लेस देन जीरो एंड एक्स प्लस वन भी नेगेटिव यानी लेस देन जीरो. तो चलो इससे भी हमें एक वैल्यू मिल गई. एक्स माइनस थ्री अगर नेगेटिव लेस देन जीरो है तो एक्स क्या जाएगा लेस देन थ्री एंड एक्स क्या जाएगा लेस देन माइनस वन. सो ये दो वैल्यूज मिली, इसमें से वैलिड वैल्यू कौन सी कहलाएगी. फिर से सोचो, ये बोल रहा है x 3 से छोटा चाहिए, ये बोल रहा है x माइनस वन से छोटा चाहिए, तो इस बार वैलिड वैल्यू कौन सी कहलाएगी माइनस वन, क्योंकि जो वैल्यू माइनस वन से छोटी रहेगी वो बाय डिफॉल्ट 3 से छोटी रहेगी ना. इस बार ये मोबाइल बन गया, ये ईयरफोन बन गया, ठीक है. मतलब आप अगर 3 से छोटी वैल्यू लो 2 1 तो वो इसको तो सेटिस्फाई कर लेगी, बट इसको कर रही है, आपको दोनों को सेटिस्फाई करना है. एंड एंड मतलब क्या, बोथ शुड बी सेटिस्फाई. अगर ये दोनों लेस देन थ्री और लेस देन माइनस वन बने तो फिर ये दो प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ठीक है. सो यहां पे एक्स अगर आप लेस देन थ्री लो जैसे 2 1 चलेगा, ये तो खुश है, बट ये खुश है, उसको तो एक्स माइनस वन से भी छोटा चाहिए ना. मतलब इसके सारे वैल्यूज ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बट अब यहां पे आप चाहे जो वैल्यू लो एक्स माइनस वन से छोटी, मतलब माइनस टू लो, माइनस थ्री लो, माइनस फाइव लो, माइनस टेन लो, वो इससे छोटी आएगी बाय डिफॉल्ट 3 से, खत्म. तो यह वैलिड वैल्यू कौन सी कहलाएगी, एक्स इज लेस देन माइनस वन, इसको लो तो ये बाय डिफॉल्ट एक पे एक फ्री सेटिस्फाई होते रहेगा. सो एक माइनस, तो यहां पे एक्स का रेंज क्या बना, देयरफॉर एक्स इज लेस देन माइनस वन इज द वैल्यू, तो यहां पे एक्स का रेंज क्या बना माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन तक, ठीक है. तो ये हुआ केस वन का आंसर, ये हुआ केस टू का आंसर. अब दोनों आंसर को क्लब कर लो. उसने पूछा था फाइंड फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एक्स से हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स से हमें ये मिला ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन दो टर्म के प्रोडक्ट के बारे में. पर दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव कब होता है, वेन बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट केस, ठीक है. चाहे तो यह लिख लो बोथ आर पॉजिटिव, या फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी भी होता है जब दोनों के दोनों निगेटिव है, तो सेकेंड केस बोथ आर नेगेटिव. सो दोनों पॉजिटिव मतलब x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, इससे x की दो वैल्यू ये बनी, बट उसमें से वैलिड वैल्यू कौन सी है जो दोनों को एट अ टाइम सेटिस्फाई करे, x इज ग्रेटर देन थ्री, क्योंकि x अगर थ्री से बड़ा है तो इससे बड़ा रहेगा ही. तो ये बन गई x की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से लेकर इन्फिनिटी. नाउ बोथ आर नेगेटिव मतलब x माइनस थ्री भी लेस देन 0, x प्लस वन भी लेस देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0. तो इससे बन गया x की वैल्यू लेस देन 3, x की वैल्यू माइनस वन. बट ऐसी कौन सी कंडीशन है दोनों में से जो एट अ टाइम दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, x लेस देन माइनस वन, क्योंकि x अगर माइनस वन से छोटा रहेगा तो बाय डिफॉल्ट 3 से छोटा रहेगा ही, ठीक है. जैसे x अगर 3 से बड़ा रहेगा तो माइनस वन से बड़ा रहेगा ही, उसी तरह यहाँ पे उल्टा, माइनस वन से अगर छोटा है तो 3 से छोटा रहेगा ही, ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी बनी, x इज लेस देन माइनस वन मतलब माइनस वन से छोटी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन. सो देयरफॉर ये तो केस वन का आंसर हुआ, ये केस टू का हुआ. अब दोनों को क्लब कर लो. सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन. या नीचे लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन. ये बना आपका उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये बना फाइनल आंसर. और बस इसी लॉजिक पे ये थर्ड क्वेश्चन भी करना है,
यहाँ पर भी क्यूब के फॉर्म में है तो फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, स्क्वायर के फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से इसी तरह दो ब्रैकेट बनेंगे, फिर से इसी तरह दो कंडीशंस बनेगी। ठीक है, तो शुरू करो। कोई भी डाउट होगा पूछो। डन, गुड। हो गया, सो थर्ड का आंसर f of x is equal to x cube minus 6x square minus 15x plus 1. So differentiate with respect to x, f dash x equal to 3x cube, 3x square minus 6 as it is, 2x, x square ka derivative minus 15 as it is, x ka derivative 1, 1 ka derivative 0. So 3x square minus 12x minus 15, ye bana f dash x. बट इस बार भी क्वेश्चन ने क्या बोला, इट इज इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यहां पर भी आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 3 से। सो पहले तो उसको 3 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करो, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय 3, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 का डिवाइड बाय 3, 5 इज ग्रेटर देन जीरो। So product should be minus 5 and addition should be minus 4. ऐसी दो values कौन सी जिसका product minus 5, addition minus 4 आए? Minus 5 plus 1, बिल्कुल सही। So minus 5 plus 1, minus 5 into plus 1, minus 5, minus 5 plus 1, minus 4. ठीक है, एडिशन माइनस फोर आ रही इन दोनों की और प्रोडक्ट माइनस फाइव आ रहा है। अब क्या कर लो, इनको एज इट इज एक्स के साथ चिपका दो, एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आने की फिर से वही दो घिसीपिटी केस बनी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखी थी। केस वन, बोथ ब्रैकेट आर पॉजिटिव, मतलब x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी x इज ग्रेटर देन फाइव एंड x इज ग्रेटर देन माइनस वन। बट इसमें से वैलिड कौन है, x इज ग्रेटर देन फाइव, क्योंकि अगेन लॉजिकली सोचो हर वो वैल्यू जो पांच से बड़ी वो माइनस वन से बड़ी होगी ही, हर वो वैल्यू जो माइनस वन से बड़ी वो पांच से बड़ी होती है, टू थ्री नहीं, बट हर वो वैल्यू जो पांच से बड़ी वो माइनस वन से बड़ी होती है, यस yes. तो इसलिए वैलिड हुआ x इज ग्रेटर देन फाइव। मतलब ये वैलिड नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये वैलिड है, लेकिन इसको कंसिडर करो ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगी। ठीक है, जो मैंने कहा मोबाइल ईयरफोन जैसी वाली बात, तो इसको लो ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, इसको लेने से ये नहीं मिल रहा है हर बार, बट इसको लेने से ये मिल जाएगा। तो इसलिए x इज ग्रेटर देन फाइव ये बनी वैलिड वैल्यू, तो इसलिए x की रेंज क्या मिली, ग्रेटर देन फाइव मतलब पाँच से लेकर इन्फिनिटी तक। सो पाँच से लेकर इन्फिनिटी ये बनी केस वन का आंसर। नाउ केस टू, बोथ आर निगेटिव, तो यहाँ पे x माइनस फाइव भी लेस देन जीरो एंड x प्लस वन भी लेस देन जीरो, मतलब x इज लेस देन फाइव एंड x इज लेस देन माइनस वन। अगेन यहाँ पे वैलिड वैल्यू कौन सी बनेगी, x लेस देन माइनस वन, क्योंकि हर वो x की वैल्यू जो माइनस वन से छोटी है वो पाँच से छोटी होगी ही, पाँच से छोटी वाली हर वैल्यू माइनस वन से छोटी नहीं होती, तो वैलिड बना देयरफॉर x इज माइनस वन। तो माइनस वन कहाँ से,
माइनस इन्फिनिटी से, मतलब माइनस वन से छोटी टिल माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस वन, करेक्ट, सॉरी। तो ये हुआ फर्स्ट केस का आंसर, ये हुआ सेकंड केस का आंसर। नाउ फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट, देयरफॉर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज इक्वल टू फाइव इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, फिनिश। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, ये बना आपका फाइनल आंसर, ठीक है। लिख लो फटाफट। अभी तो शुरू हुआ है, चलो देखो फटाफट। एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स स्क्वायर माइनस टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग। सो फिर से वही, पहले तो जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लो, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, और टू एज इट इज लॉग एक्स का वन बाय एक्स, तो ये क्या बन गया 2x माइनस टू बाय एक्स एफ डैश एक्स। अब इंक्रीजिंग की कंडीशन एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब 2x माइनस टू बाय एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, x x से ऊपर नीचे यहां कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कर लो बराबर, मतलब जस्ट डिनोमिनेटर सेम करने को, सो ये बना 2x माइनस टू बाय एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां कुछ नहीं, मतलब वन होता है डिनोमिनेटर, तो मैं x x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या मिला आपको 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस टू बाय एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब 2x स्क्वायर माइनस टू अपॉन x इज ग्रेटर देन जीरो, x उधर गया सरेंडर, 2x स्क्वायर माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो जीरो इंटू एक्स जीरो, सो 2x स्क्वायर अगेन माइनस टू उधर गया प्लस हो गया, सो प्लस टू कैंसल, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, माइनस टू इधर गया ना, माइनस टू पहले इधर गया, हाँ वो तो अभी होगा ना, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। अब मुझे बताओ यहां पर भी एक्स स्क्वायर ये वन कब होता है, एक्स स्क्वायर ये वन कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब अगर माइनस वन भी रहा तो भी एक्स स्क्वायर क्या होता है प्लस वन, एक्स अगर प्लस वन भी रहा तो एक्स स्क्वायर क्या होता है प्लस वन। सो यहां पे दो केस बनती है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बराबर, सो एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, ये आपको अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो अब इसको कैसे टैकल करोगे,
x is greater than 1 or x is less than minus 1. जब भी यहाँ पे अब square आएगा ना, तो square को आप इसी तरह से tackle करोगे. x is greater than 1 और x is less than minus 1. बराबर? मतलब इसको क्या-क्या चलेगा? इसको चलेगा x की हर वो value जो greater than 1 है. तो इसके हिसाब से answer क्या बना x का? 1 से लेकर infinity. बराबर? इसके हिसाब से आंसर क्या बना? 1 से लेकर इन्फिनिटी, और इसके हिसाब से माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1. सो ये बना आपका पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल सैंपल सेट, जिसमें एक्स की वैल्यू अगर आप रखो तो ये कंडीशन, ये जो फंक्शन है वो क्या रहेगा? इंक्रीजिंग. ठीक है. अब जब भी ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्क्वायर के फॉर्म में मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x square is equal to 1, तो x is equal to plus minus 1. बराबर? ये हम इक्वालिटी में करते हैं, बट इन इक्वालिटी में हमेशा आपको ऐसा करना है, पॉजिटिव वैल्यू शुड बी ग्रेटर, निगेटिव वैल्यू शुड बी लेस. मतलब x square is greater than 1, ये कंडीशन को आप दो तरीकों से कैसे लिख सकते हो, x should be greater than 1 और x should be less than minus 1. अगर ऐसा होता x square is greater than 4, तो इसको आप कैसे लिखते थे, x should be greater than 2 और x should be less than minus 2. अब बस इसको कैसे समझना है, आप समझ लियो. x greater than 1 मतलब क्या? इन्फिनिटी तक, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी. लेस देन माइनस 1 मतलब क्या? माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1. सो ये बना आपका फाइनल कंक्लूसिव सॉल्यूशन फॉर दिस फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग. सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर x इज इक्वल टू दिस एंड दिस. ठीक है. सो और भी कुछ चीजें, और फिर सेकेंड वराइटी हम शुरू करेंगे कल से, नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. गुड डे. रिवाइज करो, डाउट है लेकर आओ.